और ब्रेकफास्ट में है पूरी सब्जी। अच्छी बातें हमें कहाँ पल्ले पड़ती है। मैं रूही, झारखंड से आई हूँ, मुझसे बात तो करो। तो पोज मारने का एक भी चांस मैं छोड़ती नहीं हूँ। अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पर व्हाट अ लुक, ओ माय गॉड। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मैं हूँ और मैं लगी पड़ी हूँ सुबह से कंचनजंगा माउंटेन देखने में और मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। देखो इधर। आप लोगों ने कभी कोई स्टोन आइसक्रीम खाई है? नहीं खाई होगी क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही बनाती हूँ और मैं ही खाती हूँ। तो कुछ आइसक्रीम ऐसे होते हैं जो माउथ में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं, बट कुछ आइसक्रीम ऐसे होते हैं जिनमें कुछ आइस चले जाते हैं तो माउथ में वो कुछ स्टोन जैसा फील कराते हैं। मुझे माउंटेन देख के वही फीलिंग आ रही है। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और ब्रेकफास्ट में है पूरी सब्जी। तो आज हमारा दार्जिलिंग में डे टू है, तो आज हम लोग पूरी दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने वाले हैं। कल हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे और कल भीग भी गए थे। कल पूरी रात बारिश हुई है और ये देखिए अभी तक हो ही रही है। तो आज हम लोग दिन की शुरुआत पीस पगोड़ा और जापानीज टेम्पल से करने वाले हैं, जिसके लिए हमें ये लंबी सी स्टेयर क्रॉस करनी होगी। यहाँ कुछ तो अच्छी सी बात लिखी हुई है, बट अच्छी बातें हमें कहाँ पल्ले पड़ती है। इट मीन्स कि मुझे कुछ पता नहीं है क्या लिखा हुआ है इसका मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पर है जापानीज टेम्पल। जब सब कुछ स्थिर हो जाता है तो शांति मिल जाती है। स्थिरता ही शांति है, चाहे वो मन की हो या वातावरण की हो, और वही शांति पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। द पगोड़ा इज सिचुएटेड ऑन द स्लोप ऑफ द जल पहाड़ हिल्स। तो हमें अब एक और स्टेयर क्रॉस करनी होगी। यहाँ भगवान बुद्ध की अलग अलग अवस्थाओं में प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इससे पहले मैंने शांति स्तूप राजगीर का देखा है, जो इंडिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। उसके बाद मैंने भुवनेश्वर का देखा है और आज यहाँ दार्जिलिंग का देख रही हूँ। वीडियो बनाएं। थोड़ा छाता पीछे कीजिए, सीनरी बहुत अच्छा आ रहा है। छाता हटाइए। प्लान अपने डिले कर दिया। चल अंधेरा आ रहा है। हाँ ये है जापानीज टेम्पल। चलो
हम इधर से आप क्या निकाल लीजिए तो हर ये में आपका ऐसे नहीं आएगा। ब्लैक वाला कुछ निकाल लीजिए। तो यहाँ तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे क्योंकि कल हम लोगों ने जॉय राइड कर लिया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं मेरा प्रीवियस वीडियो वो ज़रूर देख लें जिसमें मैंने टॉय ट्रेन के बारे में बताया था। कल हमारी जॉय राइड थी जो बहुत ही अमेजिंग थी। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं जू देखने के लिए। तो अब हम लोग एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं, बट उससे पहले हमें टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जू HMI BNHM और इसका एंट्री चार्ज पर हेड 110 है। तो यहाँ हमें ये तीन चीज़ें देखने को मिलेंगे और अगर आपके पास कैमरा है तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। और ये देखिए हम लोग फिर से बादलों के ऊपर हैं, ये हमें कहीं ना कहीं दिखी जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमें ये जू देखने को मिल रहा है, ये देखिए। हेलो, मैं हूँ, मैं रूही, झारखंड से आई हूँ, मुझसे बात तो करो। मारखोर सब कितनी शांति से हैं और मैं डिस्टर्ब करने आ गई सबको। शो शो देखिए ना, सुन रहा है। ये सब तो हम लोग अपने साइड कभी नहीं देखेंगे। अच्छा, ये आपको बकरी लग रहा है, मतलब कुछ भी, ये डियर है, डियर। याक है, याक पड़ता है वो। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलना तो बहुत पड़ता है यहाँ पर वैसे तो। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। तो चलिए चलते हैं और एवरेस्ट फतेह करते हैं। तो अगर आपको एडवेंचर्स पसंद है तो यहाँ आना आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए ये जिप लाइन बना हुआ है, आप यहाँ से वहाँ क्रॉस कर सकते हैं। और ये चार्जेबल है लेकिन अभी शायद क्लोज है बारिश के वजह से। मुझे जिप लाइन पे क्रॉस करना अच्छा लगता है बट अभी कोई कर भी नहीं रहा है, कोई कर रहा होता तो मैं भी करती। तो अगर आपको ट्रैकिंग या एवरेस्ट पे जाने का कोई शौक़ है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है और ये 7 डेज की होती है और ये 6 AM to 7 PM तक चलती है और उसके बाद आपका फाइनल डे को सिलेक्शन होता है। तो शायद ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर। अगर आपको बेसिक सी ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ बिल्कुल वो मिल जाएगी आपको। वो भी बैठ गया था। इधर से चलिएगा किधर से चलिएगा, इधर से चलिएगा कि जैसे से। चलिए देखते हैं ना। तो पोज मारने का एक भी चांस मैं छोड़ती नहीं हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को कुछ भी।
तो मैं म्यूज़ियम के कोर्टयार्ड में हूँ और मैंने म्यूज़ियम देख लिया है। म्यूज़ियम बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मोस्टली म्यूज़ियम में माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स है। फेमस माउंटेनियर ने जिसे यूज़ किया था क्लाइम करने के लिए, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, मेमोरेबल फ़ोटोग्राफ्स कह सकते हैं उसे। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, तेंजिंग नॉर्गे। तो म्यूज़ियम मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, ये बहुत ही मोटिवेट करता है आपको, मैं इसे मेरी लाइफ में नहीं भूल पाऊँगी। तो यहाँ पर हमें एक ये छोटा सा मंदिर दिखा है जो दुर्गा माँ का है। पैसा दीजिए ना, दीजिए ना। ये है BNHM बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, और ये भी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई एनिमल्स बर्ड्स रखे गए हैं जो रियल हैं, उनको पेंट करके रखा गया है, और इन सब को देखना बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो हम लोग फिर से जू आ गए हैं। गॉड बंगाल टाइगर, ओ माय गॉड, इसी का तो मैं वेट कर रही थी। ओ माय गॉड, मुझे ये देखने को मिल गया, आज का तो मेरा डे बन गया। वाह, मज़ा आ गया। आई लव टाइगर। उफ, ये इस साइड क्यों नहीं आ रहा है, इस साइड आओ ना प्लीज़ 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 प्लीज़। पूरी अच्छी खासी भीड़ लग गई है देखने के लिए इसे। वाह अमेजिंग। अच्छा, ये मेरी ही साइड आ रहा है, वाह, वो भी मुझे ही देख रहा है। ये देखिए, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म, मिलते रहे हो जैसे। वाव, ऐसे न मुझे तुम देखो। यकीनन ये मेरे बहुत ही करीब था और मुझे ही देखे जा रहा था। ओ माय गॉड, व्हाट अ लुक, ओ माय गॉड। हम इसके पास हैं एकदम। दो टाइगर इधर। तुम्हें बोल भी ना थी तुलसी। रिकी पार टाइगर है, रिकी रिकी। ए पवन, नला बन नला बन नला बन नला। मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि अगर टाइगर पिंजरे से बाहर निकला तो उसकी पहली शिकार मैं ही होंगी, क्योंकि वो बार बार मुझे ही देख रहा है। इसीलिए ऐसा कुछ हो उससे पहले निकल लेते हैं। बहुत देख लिया टाइगर, अब और नहीं देखना है, कुछ हो उससे पहले यहाँ से निकल लेते हैं। बट इसे देखे बिना मेरा दिल ही नहीं भरता, मैं इसे ही देखने आई थी। मुझे बड़ा शौक था बंगाल टाइगर देखने का, आज पूरा हुआ। यहाँ का जू थोड़ा डिफरेंट है बाकी जगहों से, क्योंकि जब हम लोगों ने एंट्री की थी तो हमें रास्ते में ऐसे एनिमल्स कुछ दिख रहे थे, फिर हम लोग म्यूज़ियम चले गए और फिर म्यूज़ियम से रिटर्न हुए तब फिर ये कुछ एनिमल्स दिखे। मतलब ये रास्ते में ही सारे एनिमल्स को रखा गया है। तो अभी मैं नेक्स्ट कहाँ जाने वाली हूँ वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखना, क्योंकि आज पूरे दिन मैं दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने वाली हूँ। पूरा खाली बिल्ली नहीं तो इधर क्या है, क्या चलो नहीं जाओ, चलो किधर से नहीं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और हाँ, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए एंड डोंट मिस द एंड। तो आज हम लोग दिन की शुरुआत पीस पकौड़ा से करने वाले हैं। अरे मैंने पीस पकौड़ा बोल दिया। वीडियो बनाए और मेरे पीछे का बोर्ड नहीं आना चाहिए, आया तो आपकी खैर नहीं। छाता पकड़ो, फोटो खींच लीजिएगा, हम यहाँ पे खड़े हो छाता लेके। नहीं ना मुझे तुम देखो। टाइगर के साथ ऐसा फ्लर्ट मैं ही कर सकती हूँ, और बाद में पता चला ये कि मेल नहीं है फीमेल है तो